ये बहुत बढ़िया हो गया। लेटेस्ट आईफोन 13 मेरी पोती नैन्सी के लिए, आज उसका जन्मदिन है ना, तो मैं घर में जाके इसको बहुत अच्छे से पैकिंग करूंगी, तो उसको देख के वो तो खुश की खुश हो जाएगी, बड़ा मजा आएगा उसका एक्सप्रेशन देख के। अरे हाँ, वो चुड़ैल कमीनी तेजस्वी का भी तो आज जन्मदिन है, एक के लिए गिफ्ट ले जाऊंगी और उसके लिए नहीं लेके जाऊंगी तो उनका बाप मेरी जान खा जाएगा। अब मैं क्या करूं, उसके लिए तो मैं ज्यादा पैसे खर्च करने वाली नहीं हूँ, कोई छोटा सा सस्ता सा छोटा मोटा गिफ्ट ले लेती हूँ उसके लिए। अरे वो क्या है, देखू तो। अरे गुड़िया गंदी सी है बड़ी, पर ठीक है, जैसी गंदी तेजस्वी है वैसी गंदी सी गुड़िया है, पुरानी सी, कोई बात नहीं, कम से कम एक गिफ्ट तो हो गया ना उसके लिए, अभी तो उसका बाप कुछ नहीं बोलेगा ना मुझे। अरे हैप्पी बर्थडे बहन, बड़ी प्यारी लग रही है तू इस ड्रेस में। थैंक यू, पर तू क्यों नहीं रेडी हुई अभी तक, तेरा भी तो बर्थडे है ना आज। अरे मेरे पास ना कपड़े नहीं थे तो मैंने यही पहन लिए, और वैसे भी मेरा तैयार होना ना होना क्या मायने रखता है। अच्छा तू रुक एक मिनट यहीं पे। ये ले तू मेरे कपड़े पहन ले और फटाफट से रेडी होके आ जा। वाओ यार ये तो बहुत सुंदर है, थैंक यू, तू ना बहुत प्यारी बहन है मेरी। थैंक यू एंड हैप्पी बर्थडे। थैंक यू, मैं अभी रेडी होकर आई। ठीक है। वाओ दादी कितना प्यारा आईफोन है, थैंक यू दादी। पसंद आया? हाँ। मुझे मालूम था तेरे को पसंद आएगा। अच्छा चलो केक काट लो जल्दी से। अरे तेजू को तो बुला लो, उसका भी तो बर्थडे है ना आज। अरे ये तो मेरी पोती नैन्सी के कपड़े हैं, तेरी हिम्मत कैसे हुई उसके कपड़े पहनने की? अरे नहीं नहीं दादी, मैंने ही उसे कपड़े दिए थे, कितनी अच्छी लग रही है ना। तूने दिए थे? चलो फिर ठीक है। अच्छा अच्छा चलो दादी केक काटते हैं। हाँ। Happy birthday to you. ये लो दादी। और रखी डॉल, तेरा गिफ्ट ले लेना, समझी? हेलो, हाँ हाँ बस मैं आ रही हूँ। दादी हुँ? वो मेरी फ्रेंड्स मुझे बुला रही है, उन्हें भी मेरा केक काटना है, जाऊँ मैं? हाँ जाओ जाओ बेटा, एंजॉय, जाओ। बाय तेजू। और तू, तेरा बर्थडे हो गया ना, अब जा कमरे में कपड़े बदल और जाके रसोई में काम कर, पूरा घर बिखरा पड़ा है। तेरा बर्थडे है तो सिर पे चढ़ के नाचेगी, जा काम कर जाके। जी दादी। पता है डॉल, हम दोनों में ना कॉमन बात क्या है कि तू भी अडॉप्टेड है और मैं भी अडॉप्टेड हूँ। आज मेरा बर्थडे था फिर भी मैंने सारे घर की सफाई करी, दादी ने तो मेरे हाथ से केक भी नहीं खाया। अब एक बात बता, अगर हम अडॉप्टेड है तो इसमें हमारी क्या गलती है, हमारी थोड़ी ना गलती है। पर जो भी है, अब मेरे साथ तू है और तेरे साथ मैं हूँ। मेरी दादी चाहे मुझे को प्यार करे चाहे मुझसे नफरत करे, पर मैं हमेशा दादी से प्यार करूंगी।
अरे मेरी डॉल, मेरी डॉल कहाँ गई? उसको तो मैं साथ लेकर सोई थी। अब ढूंढो उसे, बाद में ढूंढूंगी, पहले सफाइयां कर लेती हूँ, वरना डांटी डांटेगी। दादी देख लेगी। ये लड़की कौन है? मुझे क्या मालूम, पागल पागल होगी, कह रही डॉल में से आई हूँ। अरे नहीं नहीं, किसी पड़ोसी की बच्ची होगी। शर्मा जी की लड़की है ना तू? नहीं। वर्मा जी की होगी? नहीं। अरे फिर तू है कौन? मैं इस डॉल में से आई हूँ और मेरा नाम है चुटकी। मेरे को 2 दिन के लिए रख लो, फिर मैं तो अपने घर लौट जाऊंगी। 2 दिन के लिए रख ले, बता बहन क्या करे। ठीक है, छोटी बच्ची है, रख लेते हैं। प्लीज मेरे दोस्त बन जाओ, मेरा कोई दोस्त नहीं है। पर हम तेको कैसे दोस्त बना ले, तू तो अनजान है। मेरे को एक साधु ने श्राप दिया था, कोई भी भला इंसान अगर इस डॉल को टच करेगा तो मैं वापस आ जाऊंगी। और कल रात को तुमने इसे टच किया था। अच्छा, बता बहन क्या करे। ठीक है, छोटी बच्ची है, रख लेते हैं। पर दादी को क्या बोलेंगे? दादी को मैं संभाल लूंगी कुछ भी बोल के। चल ठीक है, आसे तू हमारी दोस्त, हम तेरे दोस्त। ये चल इसे दादी से मिलवाने ले चलते हैं। अच्छा, आए हाय, क्यों इतना शोर मचा रखा है बच्चों? पागल हो गए लगता है, सुन के किसी की राजी नहीं। बोल तू, तू बोल। अरे तू बोल ना, तू बोल, तू बोल। देखो इनकी लाडली तू है तो तू बोलेगी। बोल बोल बोल। अरे ये किसको ले आए तुम लोग? दादी कुछ नहीं, बस 2 दिन की आई है ये लड़की, 2 दिन बाद चली जाएगी। अरे पहले एक को पाले तेजस्वी को, अब इसको एक और नमूने को पालो। अरे दादी छोटी बच्ची तो है, क्या हो गया, 2 दिन बाद पक्का चली जाएगी। चल बेटा नैन्सी, तू बोल रही तो मान रही हूँ, लेकिन सिर्फ 2 दिन तक दिखनी चाहिए मुझे, उसके बाद नहीं, समझ गए? ठीक है दादी। अरे यार कितना सारा काम करना है, झाड़ू बर्तन पोछे, अनिल करे तो दादी डांटेगी, करना ही पड़ेगा। अरे तू टेंशन क्यों ले रही है, मैं हूँ ना तेरे साथ। अच्छा क्या कर लेगी तू? बस तू देखती जा। अरे अरे हम कहाँ आ गए? अरे अरे तुम कौन हो? अरे मैडम आप कौन हो? हम तो अपनी महरारू से लड़ाई कर रहे थे, आपका बुला लिया हमें। अरे पर क्या करना क्या चाहते तुम? हम साफ सफाई करने में एक्टर है, एक्टर बाथरूम से लेके किचन से लेके पूरी इंडस्ट्री साफ कर देंगे हम। हाँ तो चलो करो फिर। अरे हमारा ही देख रही है तू, क्या बोल रहा है? बताऊँ अभी? नहीं नहीं मैडम, अभी अभी हम फ्री में कर देंगे, आपके लिए तो कुछ भी काट देंगे हम। करे करे ठीक है ठीक है, बस बस हो गया तुम्हारा, बर्तन कर लो। बर्तन भी धो देती है, झाड़ू से कौन बर्तन करता है? अरे मैडम सॉरी 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 सर, जल्दबाजी में भूल गए कि हम झाड़ू से नहीं हाथ से साफ होते हैं। अभी करते हैं ना। चल जब तक हम खेलते हैं अब। आज तो टांगों में बहुत दर्द हो रहा है, ये दर्द तो लगता है मेरी जान लेके ही मानेगा। हेलो, क्या ठीक है? तू चिंता मत कर, मैं अभी आ रही हूँ।
तेजू यार मुझे कुछ इम्पोर्टेंट काम आ गया है, मैं कल सुबह तक आ जाऊंगी, अभी मुझे जाना पड़ेगा। तू ये मेरा होमवर्क कर देगी? हाँ मैं कर दूंगी। नैन्सी, ओ नैन्सी बेटा। हाँ दादी। बेटा इधर आके जरा मेरी टांगे दबा दे, बहुत दर्द हो रहा है। हाँ आ रही हूँ। तेजू तू दादी के पैर भी दबा दियो ना, उनके पैरों में बहुत दर्द है। ठीक है मैं आती हूँ। अब होमवर्क पहले करूं या दादी के पैर दबाऊं? पहले दादी के पैर दबा दो। हाँ ये सही रहेगा, मैं दादी के पैर दबा के आती हूँ फिर होमवर्क करूं। ठीक है। नैन्सी तो चली गई और दादी इतना परेशान हो रही है, मैं दबा दी तू पैर दादी के। दीदी कितना सारा काम करती है, क्यों ना ये काम मैं कर दूं? हाय आराम आ रहा है बेटा, इस तंग को भी थोड़ा सा दबा दे। ओह क्या आराम आ गया। अच्छा तो दादी के पैरों में दर्द हो रहा है, अभी ठीक करती हूँ। अरे तूने क्या जादू का कमाल किया भाई, मेरे दर्द तो एकदम चला गया। अरे तू छुड़ैल, तू यहाँ क्या कर रही है? मेरे को छू के गंदा कर दिया, तेरे को किसने बोला यहाँ पर आने के लिए? 50 बार बोला मेरे पास मत आया कर, जब देखो मुंह उठा के किसी बहाने से मेरे पास आ जाती है, तेरे को तो मैं देखती हूँ। रुक जा। एक तो दीदी इनके पैर दबा रही हैं, ऊपर से दीदी को ही गुस्सा कर रही हैं, अभी बताती हूँ। ओए मैं तेरे को, ओए माँ, ओए हड्डी पसली टूट गई रे मेरी। दादी, 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 दादी क्या हुआ दादी? दादी, दादी को चोट लगी होगी यार। अरे दादी के पैर में तो सूजन है, लगता है मोच आ गई है। अभी पट्टी बांध देती हूँ। इस लड़की को समझाना ही मुश्किल है, क्या करूं मैं इस लड़की का? बेचारी दादी। कोई नहीं दादी, मैं अभी पट्टी कर दूंगी, आप ठीक हो जाओगे। दादी, दादी को क्या हुआ? क्या हुआ दादी को? अरे यार दादी ना कल गिर गई थी। अब तो ठीक है ना? हाँ अभी तो ठीक है, सो रही हैं। अच्छा तो तू एक काम कर, दादी के पास ना तू बैठ, मैं नहा कर आती हूँ। अरे नैन्सी बेटा, तू? दादी तू कल रात से जग के मेरी सेवा में लगी है, कितनी प्यारी भोती है मेरी, कितनी सेवा करती है मेरी, और एक वो नालायक करमजली चुड़ैल तेजस्वी है कि उसको दादी मरे या जिए उसकी बला से, उसने एक बार भी आगे नहीं पूछा होगा तुमको कि मैं दादी कैसी है। हाँ दादी। अरे मैं तो नहा कर भी आ गई, पर ये चुप्पी कहाँ है? अभी तक नाराज है क्या मुझसे? पहले उसे मना कर आती हूँ। हाँ
अच्छा तो मेरी गुड़िया मुझसे नाराज है? हाँ हो गई, और अब आपसे कभी बात नहीं करूंगी। अरे से मिलके तुम जो हो तो हो मैं। चल जाने दो अब छोड़ो भी, चल जाने दो अब छोड़ो भी। चले। अरे मेरा प्यारा बेटा तेजस्वी, मैं तेरे को कितना गलत समझा, कितना भला बुरा कहा, कोसा, गालियाँ दी, सब कुछ किया तुम्हारे साथ, लेकिन तुमने कभी बुरा नहीं माना। मेरी तो आंखें खुल गई बेटा, मुझे अपनी करनी पर बहुत पछतावा है, मुझे माफ़ कर दे। अरे दादी आप माफ़ी मत मांगो, आप बड़े हो, बड़े माफ़ी थोड़ी ना मांगते हैं, बड़े तो सिर्फ आशीर्वाद देते हैं। चलो जाने दो अब छोड़ो भी, चलो अब मुझे घर जाना होगा, मेरी मम्मी मुझे मिस कर रही होंगी। अच्छा चुटकी, हर एक चीज के लिए थैंक यू, मैं तुझे ना बहुत मिस करूंगी, मेरा एक दिन भी तेरे बिना नहीं बीतता था, पर अब देख तू मुझे छोड़ के जा रही है, मिस यू। और हाँ थैंक यू, तुमने दादी को मना लिया, अब दादी मुझसे नाराज नहीं होती। मैंने कुछ नहीं किया। तुमने कुछ नहीं किया मतलब? अरे बहन वो हुआ यूं कि कल रात से झटके मेरी सेवा में लगी है। कितनी सेवा करती है मेरी, और एक वो नालायक करमजली चुड़ैल तेजस्वी है, उसको दादी मरे या जिए उसकी भला से, उसने एक बार भी आगे नहीं पूछा होगा तुमको कि मैं दादी कैसी हूँ। अरे नहीं दादी आप गलत समझ रहे हो, पूरी रात तेजस्वी ने ही आपकी सेवा की है, मैं तो किसी काम से बाहर चली गई थी और अभी आके बैठी हूँ बस यहाँ। अरे झूठ मत बोल, मुझे मालूम है तू हमेशा उसकी साइड लेने की कोशिश करती है। अरे दादी मैं झूठ क्यों बोलूंगी, मैं सच बोल रही हूँ, मेरे कहने पर ही तो वो आई थी आपके पास। सच बोल रही है? हाँ दादी आप उसे हमेशा गलत समझती हो, भले ही वो अडॉप्टेड है पर वो गलत नहीं है दादी, वो आपसे बहुत प्यार करती है, और बल्कि मुझसे भी ज्यादा आपसे प्यार करती है वो, कितनी तो सेवा करती है आपकी, पता नहीं क्यों आप उसे हमेशा गलत समझते हो। अच्छा तो फिर मैं अब अपनी गलती सुधारूंगी, मैं ना उसको गले लगा के इतना प्यार करूंगी कि वो भूल ही जाएगी कि वो इस घर की असली बेटी नहीं अडॉप्टेड बच्चा है। ओ तू तो वर्ल्ड की बेस्ट बहन है ही है। अच्छा बाय बाय। बाय। यार चुटकी को गए ना एक महीना हो गया है और बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा है, उसकी बहुत याद आती है। हाँ यार याद तो उसकी मेरे को भी बहुत आती है। हाँ कितनी शैतानी करा करती थी वो, और सारे काम कैसे फट से कर देती थी हमारे। हाँ सही कह रही है, काश वो वापस आ जाती। चुटकी